अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली है। मैं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अमेरिकन फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन रोड कैन सेव इंडिया 3 बिलियन इन पैथोलो रिपेयर्स टू एंड सून। तो भाई साहब वीडियो देखते हैं और क्या रिपेयरिंग सिस्टम है और अपना विवरण पढ़ते हैं। भारत में वैसे तो दुनिया भर के पोर्टहोल्स आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन रिपेयरिंग के टाइम में जब बात करें बहुत ही बेकार तरीके से इन्हें रिपेयर किया जाता है। इसका सलूशन अब अमेरिकन कंपनी यहां पर दे सकती है, काफी अच्छा सलूशन है। और रिसेंटली इसी को लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ आनंद महिंद्रा जी ने काफी इंस्पिरेशनल और एक काफी अच्छा वीडियो शेयर किया है। वैसे आपको बता दें कि हर साल एक एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ हमारा बजट जाता है मात्र रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ पोर्टहोल्स और जो भी रोड काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं उनके, स्पेशली मॉनसून के टाइम पे देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है। मुंबई के रोड्स की सिचुएशन तो किसी से छुपी नहीं है। खैर, अब इन सबको टैकल कर सकता है अमेरिका का एक इनोवेशन। दरअसल अब यहाँ पर सरकार अपने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज बचा सकती है बस एक आइडिया से, और ये जो आइडिया है ये पूरी तरह से पॉटहोल को एकदम वाटर टाइट बना देता है, वाटर प्रूफ बना देता है। हम यहाँ पर किसी भी रोड सर्फेस पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेन रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवे ही क्यों ना हो। सो अब ये जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो ये पॉटहोल में जो आपने देखा होगा कि अक्सर रोड रोलर की जरूरत पड़ती है, फिर फिलिंग, इतना ज्यादा पेनफुल जॉब, ये पूरा एलिमिनेट ही हो जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, इस अमेरिकन पैच को बनाया जाता है विद हाई क्वालिटी एस्फाल्ट पॉलीमर और जियो सिंथेटिक फाइबर ग्लास। इन सब के मिश्रण से एक शीट की तरह फॉर्म होता है और फाइनली हम इसे किसी भी रोड सर्फेस पर थोड़ा चिपका सकते हैं और आसानी से उस पर टैंपिंग करके वो काफी स्ट्रॉन्गली एडहेसिव हो जाता है रोड सर्फेस के साथ। ये पूरा पैच हम काफी आसानी से मात्र 10 मिनट के भीतर पूरा खत्म सॉल्व कर सकते हैं। वाटरप्रूफ सील यहाँ पर पूरा सुनिश्चित किया जा सकता है विद नो क्रैक्स, नो पॉटहोल्स। अब अमेरिकन कंपनी ये जो बनाती है, इसका खुद कहना है कि ये काफी ज्यादा बेटर स्टैंडर्ड ऑफ रोड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज करेंटली जो प्रोसीजर है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये तो बहुत ही फटाफट हो जाता है। इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका में 6 साल पहले डेवलप की गई थी बाय सेंट गोबिन एडफोर्ड्स इन यूएसए और कनाडा। ये काफी रैपिडली यूज किया जाता है। इसे न केवल ही हम हमारे एक्सप्रेस वे, हाईवे और मेन रोड्स पे यूज कर सकते हैं, बल्कि जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, एयरपोर्ट्स, कमर्शियल पेविंग कंपनीज, फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और ऐसे तमाम सारी जगहों पर इसे बहुत ही सक्सेसफुली यूज किया जा सकता है। कॉस्ट की भी बात करें तो हालांकि यहाँ पर कोई कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले तो रोड रोलर्स लाने की जरूरत नहीं है, बैंड फोर्स तो बहुत ही कम चाहिए और एकदम क्विक प्रोसीजर है। लेकिन अब फाइनली सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे या यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भारत में ला सकेंगे? क्या वो रेडी है कि भारत के पॉटहोल्स को सॉल्व करने का चैलेंज वो उठा पाए? ये काफी बड़ा क्वेश्चन सामने निकल कर आता है। वैसे इस इनोवेटिव कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और वाकई जो है हमारे जो खास करके ये पाकिस्तान के रोड है वो साल भर में जब बारिशें आती हैं, बारिशें भी इस तरह आती है कि वो रोड जो है खराब हो जाते हैं, और ख़ास करके जो एरिया जो है वो शहर के करीब आते हैं जो रोड, उनमें तो क्योंकि उनमें आवाम हिम्मत दिखाती है ना, जिस तरह कराची वाले दिखा रहे हैं, इधर हमारे फैसलाबाद में भी दिखाते हैं भाई, पानी का जो निकासी का सिस्टम है वो बंद कर देते हैं, पानी सारा बारिश का जो है वो रोड पर खड़ा रहता है, 2-3 दिन में ही वो रोड का सत्यानाश कर देता है। ऐसे ही तो जब रोड की दोबारा रिपेयरिंग करनी पड़ती है, साफ जाहिर है वो अमला भी चाहिए होता है जी। लेकिन यहाँ पे जो इतना बड़ा बजट भाई, अब हर 6 माह के बाद कौन सी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि हर 6 माह बाद आपको एक नया रोड बना। लेकिन ये भी है ना यूसुफ के, लेकिन ये भी देखो ना, क्वालिटी पर ब्रेक अगर लगाओगे रोड के ऊपर तो फिर तो चल जाएगा। देखा जी हमारा आपका सुजाना रोड तकरीबन उससे जेड़ा हमारे रोड से जो काफी देर बाद बना था, जो उसका प्रोडक्ट है ना वो खराब था और वो खराब हो गया था, हालांकि निकासी भी उसकी थी ठीक है ना, जो है ना क्वालिटी प्रोडक्ट लगाने से अभी ये भी फर्क तो पड़ेगा, पड़ता है। लेकिन असल में जो बनाए गए हैं ना वही, वो उसके सही तरीके से प्रेस भी नहीं करते रोड को, और उसमें जो माल होता है वो थोड़ा सा जल्द ही खराब हो जाता है। मेरे कहने का मतलब तो ये है ना, मटेरियल डालते हैं वो भी हो जाता है, जितने ठेकेदार हमारे होते हैं वो डाल चूना लगा देते हैं।
जितना वक्त रोड को निकालना चाहिए उतना नहीं, उससे उसकी उम्र आधी भी नहीं, आधी नहीं, तो वो खराब हो जाता है। और बाकी भाई ये जो टेक्नोलॉजी है वो ये तो वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेकिन ये अफसोस है कि अभी तक है उधर सिर्फ अमेरिका के पास, कनाडा। चलो हो गई, पता है यूसुफ एक और भी बात, इस तरह हमारे रोड जगह जगह पर अगर इस तरह गड्ढे हों तो ये तो बेचारे वो उसको कुटते कुटते उसका फिर मशीनरी से इस्तेमाल होगा ना, ये तो थोड़ा मोटा है ना उसको कवर करने के लिए सही किया। और ये जो शीटें वगैरह जो फाइबर ग्लास जो ऊपर डाल रहे पाकिस्तान में, बताओ कोई एक बाईपास बताओ मुझे जो गड्ढों के बगैर है, कोई एक बाईपास पूरे पाकिस्तान। बाईपास तो बहुत ही खस्ता हाल है, चक्कर हैवी ट्रैफिक चलती है, वो हैवी लोडिंग की वजह से वो ज्यादा तेजी से खराब हो जाए। तो देख रहे मेरा भाई, जहाँ पर हैवी लोडिंग होनी होती तो वो रोड भी तो मजबूत बनाना चाहिए, लेकिन वो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो एक जगह जहाँ पर फट जाता है रोड खराब हो जाता है उसको रहने देते हैं और वो आगे आगे चलता चलता और खराब हो जाता है। और बाद दफा मैंने देखा है ये जो गन्ना लेकर जाते हैं ना शुगर मिल्स में, वो बेचारे कितने कितने दिन उधर वो एक ट्रैक्टर जब कहीं फंस जाता है तो निकल नहीं पाता, फिर दो दो तीन तीन ट्रैक्टर, और बाकी जो रोड है वो ब्लॉक हो जाता ब्लॉक हो, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है भाई, और बताइएगा कि ये जो फाइबर ग्लास था ये क्या इंडिया में भी इस तरह का जो मटेरियल वो मिल सकता है, तो वो क्या इंडिया खुद से प्रोड्यूस कर सकता है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें।